गुना जिले में ईमानदारी अभी जिंदा है। कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के चलते निरंतर बढ़ते चले जा रहे लॉकडाउन से हर किसी की माली हालत खराब हो गई है। ऐसे में अगर किसी को लावारिस पड़ी हुई धनराशि मिल जाए तो उसके सामने ये बड़ा यक्ष प्रश्न उठता है कि आखिरकार इस राशि का क्या किया जाए। ऐसा ही वाकया दो युवकों हरिओम कुशवाहा और आशु कुशवाहा के साथ घटित हुआ, जब उन्हें एक लेडीज पर्स लावारिस हालत में मिला। उसमें कुछ रुपए, एक एंड्रॉइड मोबाइल और कुछ एक आईडी थी। एक सोने का पेंडल भी रखा हुआ था। दोनों ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए गुना कोतवाली में जाकर इस लावारिस हालत में मिले पर्स को सुपुर्द कर दिया। नगर निरीक्षक अवनीत शर्मा ने तत्काल आईडी के आधार पर इब्राहिम खान से संपर्क किया और उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि उसकी पत्नी बाजार गई थी और उसी दौरान ये पर्स गुम हो गया। पुलिस ने पर्स मालिक को बुलाकर सामान को चेक कराकर सुपुर्द कर दिया। वहीं ईमानदारी की मिसाल देने वाले दोनों युवकों की सभी ने सराहना की। क्या रहा था? बच्चों के बिस्कुट वगैरह ले गए तो नहीं सर, किसान कट पीस के सामने एक पर्स मिला था, बड़ा हुआ बहिंदा है, उसको मैंने उठाया। मेरा भांजा भी था छोटा सा आदमी, उसको उठाकर डायरेक्ट कोतवाली गया। कोतवाली में टू स्टार साहब बेटे थे, नाम नहीं पता मैंने, और भी जने थे, उनको मैंने दिया। उन्होंने उन्होंने मेरा स्वागत भी करा वहाँ पे, बढ़िया। तो आपने देखा उसमें क्या चीज़ थी पर्स में? उसमें एक पेंडल था चमक रहा था और थोड़े बहुत पैसे भी थे। आपका पेंडल था? पेंडल इतना बड़ा था, पन्नी में रखा था, सफ़ेद कलर कैसा था? पीला था, सफ़ेद पीला कलर का था। उसमें उसके बाद में क्या मिले आपको? उसमें पैसे भी थे थोड़े बहुत, एक मोबाइल था टच। कौन सी कंपनी का मोबाइल है? कंपनी का पता नहीं है, पुलिस वाले बता रहे थे 8-10 हज़ार रुपये का। कितने रुपये होंगे आपके? क्या कितने रुपये पाए गए थे पास? 8-1 हज़ार रुपये के लिए वक्त होंगे उनके, इतना अपन को पता है। गिनती नहीं है, कितने के नोट थे? 100-100 के नोट थे।